आप सोचते खूब पढ़ेंगे, पढ़िए, पढ़ तो रहे लोग गीता, बाइबल, कुरान आदि ग्रंथ, फिर भी लड़ रहे क्योंकि समझ नहीं पा रहे, उसके एसेंस को निकाल नहीं पा रहे। कुरान कह रही दैर में तू, हरम में तू, अर्श पे तू, जमी पे तू, जिसकी पहुंच जहां तलक उसके लिए वहीं पे तू। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ गॉड गिवन बाय कुरान शरीफ। दैर मस्जिद मंदिर एनीथिंग, दैर में तू, हरम में तू, अर्श पे तू, अर्श मतलब आसमान, जमी पर तू, जिसकी पहुंच जहां तलक। ऐसा नहीं कोई तुम तक पहुंचता नहीं, सब पहुंचते हैं, जिसकी पहुंच जहां तलक। दुनिया में चार किताबें हैं, चार में से एक भी किसी को समझ में आ गई ना उसकी जिंदगी बदल गई, उसके अलावा कोई किताब ही नहीं, बाकी सारी इंफॉर्मेटिव किताबें हैं। 40 भी हो सकती हैं पर मुझे चार ही पता है, बाइबल, कुरान, गीता आदि ग्रंथ। चार में से अगर एक किसी को समझ में आ गई, एक, 40 भी हो सकती है, आई विल अगेन रिपीट माई लाइन, देयर इज अ पॉसिबिलिटी देयर विल बी 40 सच बुक्स बट आई नो ओनली 4। मैं सिर्फ चार जानता हूं। मंदिर बनाया गया, मूर्ति रखी गई, क्योंकि जब अभी यहां कोई ना हो तो आप आपस में बात करेंगे। अभी सारे लोग यहां से उठ के चले आए, आप बात करेंगे आपस में, बिकॉज व्हाट यू विल थिंक कि देयर इज नो वन टू कीप आई ऑन यू। व्हेन अ टीचर इज एब्सेंट इन द क्लास तो स्टूडेंट्स व्हाट दे डू, दे जनरली टॉक, सो मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर्स हैव टू अपॉइंट क्लास मॉनिटर। सो व्हाट इज अ स्टैचू, टीचर एंड क्लास मॉनिटर। कि जब आप मंदिर में बैठे हैं तो आपको लगता है कि मेरा टीचर सामने खड़ा है, हम आपस में बात नहीं करेंगे, लेकिन बाद में लोगों ने टीचर की पूजा शुरू कर दी तो मॉस्क ने उसको हटा दिया। इसलिए नहीं कि मॉस्क को उससे नफरत है, आप क्लास मॉनिटर की पूजा करने लगे कि सर पास करवा दो, सर चार क्वेश्चन बता दो इंपॉर्टेंट सर। तो फिर स्कूल मैनेजमेंट को लगा कि यार ये तो मॉनिटर ही इतना हुआ, तो बोले हटाओ। ये मैं नहीं कह रहा, स्वामी दयानंद सरस्वती, यू हर्ड द नेम, ही हैज रिटन अ बुक सत्यार्थ प्रकाश। मुसलमान लोग गोश्त खाते हैं, भैया इस्लाम वॉज बॉर्न इन सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया इज अ डेजर्ट एंड फूड डिपेंड्स अपॉन वॉट, कल्चर, एंड कल्चर डिपेंड्स अपॉन वॉट, ज्योग्राफी। सऊदिया का आदमी कहां से पालक खाएगा, आपके पास तो पालक के बोरे भरे हुए हैं। सऊदिया इज अ डेजर्ट, इस्लाम वॉज बॉर्न इन सऊदी अरेबिया, फूड इज अ पार्ट ऑफ कल्चर, कल्चर इज अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। प्रॉफेट मोहम्मद एक घर के तरफ से निकलते हैं, एक लेडी डेली उनके ऊपर कूड़ा फेंकती है, डेली हमारे ऊपर फेंक दे, हम तो तुरंत FIR कर दे कि साहब हम इस गली से जाते हैं, ये औरत मेरे ऊपर कूड़ा फेंकती है। प्रॉफेट पासस बाय इन फ्रंट ऑफ दैट हाउस एवरी डे एंड एवरी डे दैट लेडी थ्रोज द गार्बेज ऑन हिम, एवरी डे। सर समझ देखना। एंड वन डे व्हेन ही वाज पासिंग थ्रू दैट हाउस द लेडी वाज नॉट प्रेजेंट, वो लेडी वहां थी नहीं। तो बेचारे गए अंदर, उन्होंने पूछा कि मोहतरमा कहाँ है, पता चला वो बीमार है, तो वो उनसे मिलने गए, वो उनसे मिलने गए, उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि आप जल्दी ठीक हो जाए और फिर अपने काम पे आए। समझदारी, अंडरस्टैंडिंग। प्रॉफिट को गुस्सा क्यों नहीं है, क्योंकि वो आदमी समझ रहा है कि ये लेडी बुरी नहीं है, समझ नहीं पा रही है। आप किसी को बुरा मान लेते हो, बुरा, कोई गाली दे रहा खड़ा होके, आप कोई कपड़े फाड़ के गाली दे तो आपको लगता है पागल है, कपड़े पहन के भी तो पागल हो सकता है। लेकिन आपके मन में एक पैरामीटर है कि कपड़ा फाड़े होगा तो ही पागल होगा। सर पहन के भी पागल होते हैं। एक मूवी आई है रमन राघव, बहुत चली नहीं हिंदुस्तान में, पर कभी आपको मौका मिले तो जरूर देखिए। उसमें दो कैरेक्टर, एक रमन, वो भिखारी है बट ही इज अ साइकोपैथ, ही एंजॉयज किलिंग, और दूसरा कैरेक्टर है ACP, ही इज ऑल्सो अ साइकोपैथ। ऐसा नहीं कि जो आदमी गरीब है वो परेशान है, अमीर भी परेशान है। हम
हमारे कानपुर में है इकरा IAS by ओझा सर, जो IAS और PCS की प्रेपरेशन के लिए लाए हैं बेस्ट फैकल्टीज फ्रॉम दिल्ली। तो अब मतलब वो सारे के सारे लोग जो कि IAS और PCS की प्रेपरेशन के लिए दिल्ली जाने की सोच रहे हैं ना, तो अब उन्हें दिल्ली जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ओझा सर की देखरेख में इकरा IAS लाए हैं न्यू ऑफलाइन बैचेस फॉर UPSC IAS PCS के बाद ज्वाइन NCERT बेसिक्स एंड GS प्री का मेंस फाउंडेशन बैच सिर्फ और सिर्फ इकरा IAS, वो भी 9 नंबर क्रॉसिंग हमारे शारदा नगर कानपुर में है।